हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सर कंपनी ऑडिट की रिवीजन। और आज सर हम लोग करने वाले हैं रिवाइज चार इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप लोग मेरे साथ अच्छे से रिवीजन करते जाएंगे। तो सबसे पहले सर मैंने आप लोगों को बताना था कि कंपनी ऑडिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो लीजिए सर कंपनी ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहे, 10 के 10 सेक्शन सर कंपनी ऑडिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 के 10 सेक्शन में से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कंपनी ऑडिट के सर इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, आपके एग्जाम में सर आ सकता है लगभग 20 नंबर का। तो भाइयों क्यों कुछ छोड़ना, बहुत आसान है चीज़ें। अगर हम थोड़ा सा सर अच्छे से रिवीजन कर ले तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दिक्कत यह आती है कि सर कभी कभी बहुत वास्ट लगता है और लोग कवर नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले सर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लूं। भाई 10 के 10 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिख जाए जो कि सर काम की नहीं तो हम उसको छोड़ सकते हैं। एनीवेज सर अब आते हैं सर रिवीजन पे। और सबसे पहले बात सर हम कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन की, जो कि है सर सेक्शन नंबर 139। आई होप सर आपको बाकी डिटेल्स पता है कि सर कंपनीज एक्ट ही है और कंपनीज एक्ट के सर चैप्टर नंबर 10 के कुछ सेक्शन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही में सर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के साथ जो अटैच रूल्स हैं, कंपनी रूल्स, उसके अंदर से सर हमारे पास है कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, उसके सर हमें रूल्स जो है पढ़ने पड़ेंगे। आइए तो सबसे पहले से बात करते हैं 139 सबसेक्शन 1 की, और देखिए क्या किससे डील करता है। ये डील करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर से अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या है। हर कंपनी के ऊपर सर सेक्शन लगता है, उसे फर्स्ट AGM पे इंडिविजुअल को या फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट करना है, जिसका जो टर्म रहेगा वो रहेगा कॉन्क्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM से टिल द कॉन्क्लूजन ऑफ 6th AGM। लेट मी रिपीट गाइज, एवरी कंपनी याद रखिएगा, कोई सी भी कंपनी है, छोटी बड़ी, प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग, कुछ भी हो सर, सबको, एवरी कंपनी एट फर्स्ट AGM अपॉइंट इंडिविजुअल फॉर्म एज ऑडिटर, जिसका टेन्योर रहेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि सर रेटिफिकेशन जो है मेंबर्स ने करनी है हर AGM पे। इसको लेकर सर कुछ अमेंडमेंट के इश्यूज हैं। ये फर्स्ट प्रोविजो अभी के लिए ऐसे का ऐसा ही है, हमारे एग्जाम में ये एप्लीकेबल है, तो इसको करके जाइएगा अच्छे से, क्योंकि सर अमेंडमेंट तो आई थी लेकिन सर वो जो डेट उसकी इफेक्टिव डेट है वो बहुत बाद में हुई है। मतलब हमारे लिए जो कट ऑफ डेट होती है 30th अप्रैल, उसके बाद हुई है। इसलिए सर ये हमारे लिए जो है अमेंडमेंट जो है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट प्रोविजो एज इट इज एप्लीकेबल है। फिर बात करते हैं सर सेकंड प्रोविजो की। बिफोर अपॉइंटमेंट सर हमें ऑडिटर से एक तो रिटन कंसेंट चाहिए और साथ ही साथ में सर हमें एक सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट इस बात का कि सर अगर अपॉइंटमेंट हुई तो सर वो होगी एज पर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब। नाउ कंडीशंस के लिए गाइस हमें रूल्स में जाना है। याद रखिए सर जब भी प्रिस्क्राइब वर्ड आता है तो हम रूल्स की तरफ चल पड़ते हैं। और रूल्स में क्या लिखा है जरा देखिए, कंडीशन रूल नंबर 4, इंडिविजुअल फर्म एलिजिबल है और डिस्क्वालीफाइड नहीं है। पहली कंडीशन सर हम लोग ये जो है कंडीशन ये रखी हुई है कि सर जब अपॉइंटमेंट से पहले हमें देखना है कि भाई इंडिविजुअल फॉर्म जो है वो एलिजिबल है और डिस्क्वालीफाइड नहीं है। एलिजिबल और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा सेक्शन होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऑडिटर की एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन से कौन सा सेक्शन है जो डील करता है कंपनीज एक्ट में। राइट, सो हमने सबसे पहले देखना है इंडिविजुअल या फॉर्म जो भी है एलिजिबल होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट दैट इज द कंपनीज एक्ट, द CA एक्ट दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो पहली कंडीशन सर यही है, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा, प्रपोज अपॉइंटमेंट अगर हुई तो वो होगी एज पर द प्रोवाइडेड इन द एक्ट। प्रपोज अमेंडमेंट अगर हुई तो होगी विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स के लिए सर मुझे आपसे क्लॉज भी जानना है, हिंट दे देता हूं, रीसेंट अमेंडमेंट आई है उसके अंदर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहले लिखिएगा लिमिट्स और फिर लिखिएगा उसका सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज, बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा, देन लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग की बात करते हैं सर। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगर सर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई चल रही है तो ऑडिटर ने उस सर्टिफिकेट में जरूर डिस्क्लोज की होगी। हम लोग सर ये देखना चाहेंगे वो जो लिस्ट है सर वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं, जो सर ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसकी जो उन्होंने हमें डिटेल्स दी है, लिस्ट दी है, वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं। तो देख लीजिए सर, सेकंड प्रोविजन में हमें क्या चाहिए, एक तो रिटन कंसेंट चाहिए भाई ऑडिटर की, और एक सर्टिफिकेट चाहिए कि अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो एज पर द कंडीशन होगा। कंडीशन रूल 4 में लिखी है, एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और एज पर टर्म्स है, लिमिट्स में है, और साथ ही साथ में जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है वो ट्रू एंड करेक्ट है। थर्ड प्रोविजो पर चलते हैं सर। थर्ड प्रोविजो बोलता है कि सर्टिफिकेट के अंदर सर ये जरूर लिखा होना चाहिए कि ऑडिटर जो है सर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करता है, मतलब वो क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया दे रखा है उसे वो सेटिस्फाई करता है। फोर्थ प्रोविजन में बोला गया सर कंपनी ने काम करना है, ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि भैया तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और साथ साथ में एक नोटिस देना है रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ADT 1 एक फॉर्म होता है, उसके अंदर फॉर्म नंबर सर आपको इंटर लेवल पर याद करने इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लीजिए सर एक बड़ा सा सेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सर हमने कंप्लीट कर दिया। और इसे पढ़ाने में गाइस मैं आपको बताऊं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को पढ़ाने में मुझे लगभग सर 1 घंटा लग जाता है अगर मैं इसको अच्छे से खोल खोल के पढ़ाता हूं, लेकिन सर रिवाइज करने में सर हम 3 से 4 मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं। एनीवेज तो ये हो गया सर 139। इसके साथ सर हम एक बार और रूल 3 पढ़ लेना चाहिए। रूल 3 सर आपको बताता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। और देखिए इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखते हैं, उसके अगेंस्ट
पेंडिंग प्रोसीडिंग्स या उसके अगेंस्ट किसी आई ऑर्डर को देखते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, फिर हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं, फिर जाके नाम हम रिकमेंड करते हैं और फिर जाके सर जो हमारे मेंबर्स हैं वो ऑर्डर को अपॉइंट करते हैं। तो पहले तो ये फ्लो याद कर लीजिए भाई, शादी करानी है भाई, लड़के की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखना है, देखना उसके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे तो वो देख लेंगे, तब जाके हम लड़के का नाम जो है आगे रिकमेंड करेंगे। बहुत सिंपल हो गया ना, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस साथ साथ बोलते जाइए, क्वालिफिकेशन एंड व्हाट बोलिए, एक्सपीरियंस, देन ऑर्डर, ऑर्डर या प्रोसीडिंग, उसके बाद कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, एंड देन गाइस हमारे पास आता है नेम रिकमेंडेशन। आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सबसे पहले मैं देखना है कि सर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है नहीं बनानी है। अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो भाई ऑडिट कमेटी ही सर वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखेगी। हाँ जी, ऑडिट कमेटी ही वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखेगी इंडिविजुअल फर्म का जिसको सर हम अपॉइंट करने की सोच रहे हैं, और दे देखेंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है सर वो मैच करते हैं साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी से या नहीं। एक इंडिविजुअल को उठा के जो सर अभी अभी जिसने सीए कंप्लीट करी है, पिछले अटेम्प्ट में पास हुआ है, आपने उसको सर रिलायंस का जॉइंट ऑर्डर बना दिया तो भैया गई भैंस पानी में। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखना है ताकि समझे देख पाएं कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मैच कर रहे हैं साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी से हाँ या ना। अगर सर ऑडिट कमेटी नहीं है तो सर जी बोर्ड जो है, बोर्ड सर ये वाला काम करेगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखेगा, उसे मैच करके देखेगा कैसे कंपनी के साइज से और कंपनी के रिक्वायरमेंट से वो मैच कर रही है या नहीं। ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ऑब्वियसली सर अब अगर ऑडिट कमेटी तो ये सारा काम ऑडिट कमेटी करती हुई चलेगी, ऑर्डर एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग कॉल फॉर्मेशन अदरवाइज सर बोर्ड करता हुआ चलेगा। सो अगर सर हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उस केस में सर बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी एज द केस में भी वो सर जरूर 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 सोचेगी किस बारे में, पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर। तो ऑडिटर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर तो नहीं आया हुआ या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं पड़ी हुई है, इसको हम जरूर 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 कंसिडर करेंगे। कहाँ पे हो सकती है सर प्रोसीडिंग पेंडिंग, या कहाँ से आ सकता है? ऑर्डर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट। ICAI सर आपके अगेंस्ट DCA ले सकता है, डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शंस ले सकता है, ये सब सी फाइनल पढ़ेंगे। बस अभी तो ये देखना है जो ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है हमें सर उसको जरूर 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 ध्यान रखना है, राइट। देन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिट कमेटी और बोर्ड को लगता है कि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कोई और इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटर से मंगा सकती है। नेम रिकमेंडेशन, अगर ऑडिट कमेटी है तो भाई सबसे पहले ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी जो नेम रिकमेंड करेगी, बोर्ड अग्री कर सकता है, बोर्ड डिसएग्री कर सकता है, बोर्ड अग्री करता है तो सर बोर्ड आगे मेंबर्स को नाम दे देगा। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है तो सर वो रेफर बैक करेगा ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी को सर वो रेफर बैक करेगा अपने रीजंस के साथ। ऑडिट कमेटी सर कंसिडर कर सकती है और उसके बाद वो दो काम कर सकती है, या तो सर वो रिकंसिडर कर लेगी, उसने बोला कि नहीं मैं रिकंसिडर नहीं करती, मैंने एक का नाम दिया था एक का नाम ही रहेगा, तो भाई सिंपल सी बात है अब सर बोर्ड के बाद बोर्ड अगर उसे डिसएग्री करता है तो बोर्ड सर अपने रीजंस जो है डिसएग्रीमेंट के लिखेगा और साथ साथ में अपना कोई नाम जो है रिकमेंड कर देगा मेंबर्स को। अगर सर बोर्ड अग्री कर जाता है इस बात के बाद, ऑडिट कमेटी ने बोला भाई हम रिकंसिडर नहीं कर, लेकिन बोर्ड अग्री कर गया, तो बोर्ड सर वही नाम जो है आगे रेफर कर देगा किसको, जल्दी बोल दो, मेंबर्स को। लीजिए अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो सिंपली सर बोर्ड ही है जो नाम रिकमेंड करने वाला है। हाँ जी, ऑडिट कमेटी नहीं तो सिंपली बोर्ड ही है जो नाम रिकमेंड करने वाला है। अच्छा जी, तो 139 हमने सेक्शन 1 पढ़ा और उसके साथ सर हमने रूल 4 पढ़ा, रूल 3 पढ़ा। अब सर हम फर्स्ट ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं, जरा देखिएगा, ये हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ लिया, किसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमने ये वाला पढ़ लिया, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब हम चलिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन सर आप लोग देखेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े से पापी हो आप लोग सर थोड़ा सा काम नहीं करोगे तो लोग। गवर्नमेंट कंपनी की सर यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ऐसी कोई भी कंपनी सर जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सीजी एसजी पार्टली बाय सीजी और एसजी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सर वो कंपनीज भी आती हैं जो सब्सिडी होती हैं, किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, राइट। तो ज़्यादा इसको एक बार बस रीड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है सर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बहुत सिंपल है, सीएजी साहब अपॉइंट करते हैं। सीएजी साहब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट करते हैं और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 100 डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट करते हैं, जो सर अपनी जो है ऑफिस को हेल्ड करेगा कब तक, टिल दी कंक्लूजन ऑफ दी AGM। सो याद रखिएगा बाकी सब कंपनी के जो ऑडिटर हैं सर वो फर्स्ट AGM पे अपॉइंट होते हैं, 6th AGM तक चलते हैं, हर साल रेटिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन भाई गवर्नमेंट कंपनी जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं वो भाई साहब हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, विद इन पीरियड ऑफ 100 डेज CAG अपॉइंट करते हैं उनको। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। एक बार फिर से, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, CAG, कब, किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, कितने पीरियड में, विद इन पीरियड 100 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। और उसके बाद वो कब तक रहेगा सर, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। अच्छा, जब बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की, 139(6) डील करता है फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी से, इसका साथी कौन हुआ, 139(1) और 139(7) बात करता है फर्स्ट ऑडिटर अदर देन, सॉरी, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, इसका साथी कौन हुआ, 139(5) साथी। आई होप आप लोग समझ गए। सो 139(6) में कौन अपॉइंट करेगा सर आपका फर्स्ट ऑडिटर, बोर्ड, कब, विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। फेलियर ऑफ बोर्ड तो सर वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज एट एन EGM। चलो तुम्हारे मजे ले लेता हूँ थोड़े से, मार्केट में लेकर सर इसको बहुत सारी
खबरें हैं, तो सब बोर्ड को दिया गया 30 डेज़। अगर बोर्ड बोर्ड सर फेल हो गया तो वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज़। तो ये 90 डेज़ जो है, मान लेते हैं ए बी 30 डेज़ बी पे खत्म हो रहे हैं, तो आपके 90 डेज़ जो है बी से शुरू होंगे या 90 डेज़ आपके ए से शुरू होंगे? चलिए बताइए मुझे, 90 डेज़ आपके बी से शुरू होंगे, 90 डेज़ आपके ए से शुरू होंगे? यानी जो बोर्ड ने अपॉइंटमेंट करनी है वो सर कहाँ से करनी है, बी से अपॉइंटमेंट करनी है या ए से अपॉइंटमेंट करनी है? थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में खेल लिया करो। लो जी लो, फिर उसका सर टेन्योर कब तक रहेगा? टिल दी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक उसका टेन्योर जो है सर वो रहेगा, कोई दूर दूर तक दिक्कत परेशानी की बात नहीं आएगी। नाउ 1397 की बात मैं करता हूँ सर, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके 60 डेज़ के अंदर किसने अपॉइंट कर देना है? सीएजी ने। अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़, क्लियरली मेंशन है नेक्स्ट 30 डेज़। अगर बोर्ड फेल हो गया, हाँ जी बोर्ड फेल हो गया, तो उसने मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, मेंबर्स को अपॉइंट करना विद इन 60 डेज़। अब फिर से यही बात, मान लेते हैं ये ए बी पे 60 दिन कंप्लीट हो गए, सी पे 30 दिन और कंप्लीट हो गए, यानी नेक्स्ट 30 डेज। अब सर मेंबर्स को दे रहे हैं हम लोग कितने, 60 डेज़ दे रहे हैं। वो 60 डेज़ मुझे बता दीजिए कहाँ से जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 60 डेज़ आपके बी से शुरू होंगे या 60 डेज़ आपके सी से शुरू होंगे, मुझे जरूर 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 नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म करिएगा। लीजिए सर, तो यहाँ पे सर मैं इस वीडियो को जल्दी से कंक्लूड करना चाहूंगा। कंक्लूजन नंबर एक सर, कंपनी ऑडिट में कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और कंक्लूजन नंबर दो सर जी, आपने रिविजन वीडियोज देखते जानी है, कंपनी ऑडिट की एकदम अमेजिंग से भी अमेजिंग रिविजन वीडियोज आपको लाकर दूंगा। और सर एक बात आपको बता दूं, कंपनी ऑडिट आता है सर 20 नंबर का, जिसमें सर एमसीक्यूज जो है आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट, और उसके लिए सर आप हमारा स्पेशल कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस अब थोड़ी सी बढ़ गई है, 129 रुपीज़ का हो गया है। यस, ओनली रुपीज़ 129, जिसमें आपको मिलेगा सर एक पूरा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यूज का, और थोड़े दिन बाद उसकी फीस जो है 159 होने वाली है, 159। सो सेव योर मनी, सेव योर हार्ड एंड मनी एंड जॉइन द कोर्स, एंजॉय द एमसीक्यूज, एंजॉय द रिविजन वीडियोज, एंजॉय एवरीथिंग इफ यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देन मैं हूं ना आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर अभी तक नए हुए तो एक बात सुन लो भाई मेरी बात, आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल एकदम अंदर से मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था, कुछ छोटी मोटी बातें माइंड में चल रही थी। बट मैंने फिर ये सोचा कि सर अगर मैंने आज वीडियो नहीं बनाई ना, तो मैं अपने लिए कंफर्ट जोन पैदा कर लूँगा, और वो कंफर्ट जोन में सर मैं कभी नहीं जाना चाहता, मैं सर हमेशा उससे बाहर रह के परफॉर्म करना चाहता हूँ। क्योंकि कंफर्ट जोन में गए, आज गया तो कल गया, कल गया तो परसों गया, आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 20 से 25 दिन से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 20 से 25 दिन से एक भी दिन मैंने रात को वीडियो मिस नहीं किया है। ऐसा हुआ कि दिन में 2 वीडियोज़ आ गए, लेकिन सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन में एक भी वीडियो नहीं आया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव दैट कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, एंड आप लोग मेंटेन करो। मुझे पता है सर कुछ टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे भाइयों, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, राइट गाइज। सो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अभी मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ इंटरनेट होगा ही नहीं, लिटरली जहाँ पर इंटरनेट होगा नहीं, वाईफाई तो भूल जाओ, मोबाइल के कनेक्शन भी नहीं आते। मुझे स्पेसिफिकली उन्होंने मेल लिखा है कि आपके मोबाइल के कनेक्शन वहाँ पर नहीं आएंगे, सो प्लीज़ इन्फॉर्म एवरीवन बिफोर कमिंग। सो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बट आई एम प्लानिंग के समय आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, चाहे मुझे वहाँ से 40 किलोमीटर ड्राइव करके बाहर आना पड़े, वहाँ के वीडियो शूट करके अपलोड करना पड़े, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो एवरी सिंगल डे टिल योर एग्जाम्स, राइट गाइज। और ऐसी कंसिस्टेंसी की उम्मीद गाइज मैं आप लोगों से करता हूं, अगर आप लोग भी सब दिखाएंगे जबरदस्त कंसिस्टेंसी, तो सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, पक्की बात है गुरु। चलिए, आपने लास्ट वाली स्पीच सुनी ली है पूरी की पूरी, तो अब तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके साथ शेयर कर लो, राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। सीखना बंद तो जीतना बंद।